प्रेरणा कथा। मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कर्मकांड, धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। जब नानक देव जी के जनेऊ संस्कार का समय आया, उनके पिताजी ने एक पुरोहित जी को घर पर आमंत्रित किया। नानक देव जी ने पुरोहित जी को प्रणाम करके पूछा, महाराज ये सूत का धागा जो आप मुझे पहनाने वाले हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा? पुरोहित जी ने जवाब दिया, इस सूत के धागे को जनेऊ कहते हैं, इसको धारण करने से आपका नया जन्म हो जाएगा। यही सूत का धागा ही स्वर्णों की पहचान है। इस जनेऊ को देखकर ही लोग समझ जाएंगे कि आप स्वर्ण हैं, ना कि शुद्ध। इस धागे के कारण सभी आपका सम्मान करेंगे। गुरु नानक देव जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर से पुरोहित जी से दो प्रश्न किए, स्वर्ण का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए? अगर ये जनेऊ टूट गया तो क्या होगा? पुजारी ने कहा, स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उनका सम्मान होना ही चाहिए। अगर ये जनेऊ टूट गया तो दूसरा खरीदा जा सकता है। गुरु नानक गंभीर सोच में डूब गए। उन्होंने पुरोहित जी से कहा, क्या प्रभु ने स्वर्ण को श्रेष्ठ बनाया है या उन लोगों ने स्वयं को ही श्रेष्ठ घोषित किया है? पुरोहित जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। नानक जी ने फिर से कहा, मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा, ये टूट जाता है और ये बाजार में बिकता है, ये तो मनुष्य की बनाई चीज है, इसमें प्रभु का क्या अंश है? इससे मुझे परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? मुझे तो एक ऐसा जनेऊ चाहिए जिसमें दया की कपास, संतोष का सूत और संयम की गांठ होनी चाहिए। ऐसा जनेऊ ना तो टूटेगा, ना ही मैला होगा, ना खोएगा, जलेगा और ना ही बाजार में बिकेगा। पुरोहित ने जब गुरु नानक देव जी के मुंह से ये बातें सुनी, उन्होंने तुरंत ही नानक जी के पिताजी से कहा, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसको किसी भी जनेऊ की जरूरत नहीं है। पुरोहित जी ने बालक नानक जी के सामने शीश झुका दिया और उनको प्रणाम किया। मित्रों, गुरु नानक देव जी के जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, आडंबर, मूर्ति पूजा या कर्मकांड को नहीं मानते थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी की वाणी के साथ साथ अन्य गुरुओं और बहुत से अन्य धर्मों के महापुरुषों की वाणी भी है। हो सके तो श्री गुरु नानक देव, कबीर, रविदास जैसे महान गुरुओं के बारे में भी थोड़ा स्वयं भी पढ़े और अपने से छोटों को भी पढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।